वेलकम टू ध्वनिस किचन। आज मैं सबकी फेवरेट चटपटी पानी पूरी की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आप इसे घर पे बनाते हैं तो ये बहुत हाइजीनिक होती है और ये बाजार जैसी इतनी ही टेस्टी बनती है। तो सबसे पहले हम पूरी बनाएंगे, उसका पानी और मसाला तैयार करेंगे। पूरी बनाने के लिए मैंने एक कप सूजी ली है, मैंने बड़ी वाली सूजी ली है, हम इसमें बारीक सूजी यूज़ नहीं करेंगे। 1/4 कप गेहूं का आटा लिया है, अगर गेहूं का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। नमक, अब एक बाउल में सूजी, गेहूं का आटा, नमक डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके पराठे जैसा सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। हम ये डो थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखेंगे क्योंकि इसमें जो सूजी होती है वो थोड़ा ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है। अब ये डो तैयार है, इसको हम कवर करके 1 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। 1 घंटे के बाद ये डो थोड़ा सा हार्ड हो गया है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे फिर से मसल लेंगे तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। अब ये डो तैयार है, इसको हम 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और इसकी हम छोटी छोटी लोई बना लेंगे। तो मैंने ये सारी लोई बना ली है, इसको हम कवर करके साइड में रख देंगे और इसमें से 2-3 लोई लेके हम इसको बेल लेंगे। थोड़ा सा ऑयल मैंने रोलिंग पैड पर लगा दिया है, अब हम पूरी को बेल लेंगे। हम इस पूरी को पतला ही बेलेंगे। पूरी बनाने के लिए हम पूरी बनाने का जो मशीन आता है वो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसमें पूरी थोड़ी सी थिक बनती है और वो पूरी क्रिस्पी नहीं बनेगी, इसीलिए हम इसको हाथ से ही बेलेंगे। अगर आप चाहे तो बड़ा सा डो लेके बड़ी सी रोटी बना के राउंड शेप में उसको कट करके भी पूरी बना सकते हैं। हम 6 से 7 पूरी एक साथ बेल के इसको इमीडिएटली फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से फूल जाएगी। तो ये मैंने पूरी बना ली है, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, गैस की फ्लेम मैंने हाई रखी है। पूरी को डालने के बाद हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ये पूरी अच्छे से फूल जाएगी। अब हम इस पूरी को पलट लेंगे और गैस की फ्लेम लो कर लेंगे। अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, तब तक हम दूसरी पूरी भी बेल लेंगे। बीच में 1-2 बार हम इसको फिर से पलटते रहेंगे। तो ये पूरी तैयार है, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो 1 कप सूजी और थोड़े से व्हीट फ्लोर में से इतनी सारी पूरी बन जाती है। अब हम पानी पूरी के लिए पानी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप फुदीना लिया है, इसको मैंने पानी से धो लिया है। एक कप से थोड़ा कम हरा धनिया लिया है, इसको मैंने चॉप करके पानी से धो लिया है। 1 हरी मिर्च उसमें डाल देंगे। 1/2 कप जितना पानी मैंने उसमें डाल दिया है, अब हम इसको क्रश कर लेंगे। अब ये क्रश हो गया है, इसको एक बड़े से बाउल में डाल देंगे।
अब मैंने इसमें 5 कप पानी डाल दिया है। अब हम उसमें 2 टीस्पून नमक डाल देंगे, 1 टीस्पून संचर पाउडर रॉक सॉल्ट, 2 टेबलस्पून पानीपुरी मसाला, 1 नींबू का रस हम उसमें डाल देंगे। आप चाहे तो थोड़े ज़्यादा नींबू भी ले सकते हैं। हम इसको 3 से 4 मिनट तक मिक्स कर लेंगे। आप इस पानी में बर्फ के टुकड़े भी ऐड कर सकते हैं। तो ये पानी तैयार है। अब हम ड्राई मसाला तैयार करेंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने 3 आलू को बॉईल कर लिया है। इसको हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे। मैंने 1 कप चना बॉईल कर लिया है। मैंने चने को 6 से 8 घंटे के लिए भिगो दिया था, बाद में इसको बॉईल कर लिया है। अब हम उसमें 1/2 टीस्पून संचर पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/3 हरा धनिया ऐड कर लेंगे। मैंने आलू और चने को बॉईल करते वक्त उसमें नमक डाल दिया था। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो उसमें थोड़ा सा पानी पूरी का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो ये ड्राई मसाला अब तैयार है। अब हम पानी पूरी बनाएंगे। थोड़ी सी बूंदी हम पानी में डाल देंगे। अब हम एक पूरी को ऐसे तोड़ के उसमें ड्राई मसाला भर देंगे। थोड़ी सी ओनियन, इमली की खट्टी मीठी चटनी उसमें डाल देंगे। मैंने इस चटनी रेसिपी की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। अब हम उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो ये पानी पूरी तैयार है। इसको आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। पानी पूरी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये घर पे बनाते हैं तो बहुत हाइजीनिक होती है और आप पूरी पहले से बना के भी स्टोर कर सकते हैं। सब्सक्राइब हियर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर नोटिफिकेशन ऑन न्यू वीडियोज़।